हाय गाइस, जय हनुमान। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सबको कहना चाहूंगा, क्या कारण है कि ये वीडियो आप पूरा सुने, और क्यों मैं इस तरह का वीडियो आपके बीच लेकर के आ रहा हूं कि जेईई मेन अटेम्प्ट को लेकर के, जेईई मेन 2022 एग्जाम को लेकर के इतनी सारी जो हर्ष भविष्यवाणियां लगातार पिछले इतने दिनों से हर कोई कर रहा है, चाहे वो सोशल हैंडल्स पे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन हो, चाहे वो YouTube चैनल्स पर हो, जिसको लेकर के आप भी कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लगातार सुबह से ही ये सर्च करना कई बच्चे चालू करते हैं कि जेईई मेन का अटेम्प्ट कब होगा, क्या एग्जाम फरवरी में होगा, या 4 अटेम्प्ट होंगे, या 3 अटेम्प्ट होंगे, या 2 अटेम्प्ट होंगे, या वाट एवर, ये एग्जाम अगर आगे जाता है तो एडवांस की डेट क्या रहेगी। इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन आप कहीं ना कहीं सोशल हैंडल्स पर सर्च करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सबको सुनना बहुत जरूरी है। गाइस, मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं जेईई मेन की एक्सपेक्टेड डेट को लेकर के कोई वीडियो इस चैनल पे आपके बीच नहीं लेके आऊंगा कि आप अननेसेसरी की कैलकुलेशन लगाएं कि इस तरह का एग्जाम इस दिन होगा, और उसी के हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ये कहीं नहीं कहा है कि 4 अटेम्प्ट इस बार होने वाले हैं, हो सकता है कि 3 अटेम्प्ट ही हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह की हर्ष भविष्यवाणियां लगातार इतने सारे सोशल हैंडल्स पे आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक छोटे से न्यूज़पेपर में कोई भी पर्टिकुलर हेडलाइन अगर आती है तो उसको लेकर के सोशल हैंडल पे इतनी सारी कैलकुलेशन, इतने सारे वीडियोस खासकर यूट्यूब पे भी बन जाते हैं, और उसको आप देख करके अपना कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद कर रहे होंगे। तो मैं सारे स्टूडेंट को सबसे पहले स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि जेईई मेन एग्जाम को लेकर के, जेईई मेन अटेम्प्ट को लेकर के आप किसी तरह के भ्रम में ना आए, किसी तरह के कंफ्यूजन में या मिस परसेप्शन में ना आए कि ये एग्जाम कब होगा, क्या डेट्स रहेंगी। उसकी जगह अगर आप जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी मेहनत करने के हिसाब से अपना दिमाग लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं, तो ज्यादा बेहतर होगा। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे भी आप किसी न्यूज को पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल हैंडल पे, एक्टिव न्यूज सोशल हैंडल पे आपको मिल रही है, आप अगर उसके हिसाब से ही अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे हैं या उसको सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, वो टाइम आपका बहुत ज्यादा किल हो रहा है। क्योंकि मेरे पास भी लगातार बच्चों के यही इन्फॉर्मेशन आ रही है, यही वो क्वेरी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर जेईई का अटेम्प्ट होगा। मैं बार बार उन सबसे यही कह रहा हूं, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तक ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर नहीं की गई है। इसलिए आप अटेम्प्ट को लेकर के परेशान ना हो, आप अटेम्प्ट के एग्जाम की डेट्स को लेकर के परेशान ना हो, आप केवल ये काम करें कि जेईई मेन का अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट जो कि अब थोड़ा सा दिख भी रहा है कि फरवरी में होना पॉसिबल कम है या नहीं है, मार्च के सेकंड या थर्ड वीक में होने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको जितना टाइम एक्स्ट्रा, जब ये जेईई मेन का एग्जाम जनवरी में होता था, लास्ट ईयर फरवरी में हुआ, अब जाकर के अगर ये मार्च के सेकंड थर्ड वीक में पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि लगभग एक महीने का टाइम फॉर्म फिलिंग में लगता है, 10 से 15 दिन हॉल टिकट रिलीज करने में लगते हैं, तो टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, अभी से भी अगर देखें तो 1.5 महीने का टाइम गवर्नमेंट को सारी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में लगभग लग जाएंगे, तो मार्च के सेकंड थर्ड वीक में होने के चांसेस हैं, फरवरी में होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आप सबको कहूंगा कि इतना जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या आप केवल जेईई की डेट को समझने में, सोचने में, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लगाने में तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जिसको मैं फिर कह रहा हूं हर्ष भविष्यवाणियों में आप कहीं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये आपको सोचना है, कहीं आप अगर डेली रूटीन के हिसाब से सबसे पहले नेट पे सर्च करने बैठते हैं कि यार जेईई की कोई डेट आ गई हो, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज हो गई हो, तो आप समझिएगा कि किसी भी अथॉन्टिक इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलती, और अथॉन्टिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी या तो एनटीए की साइट पर, जेईई मेन की वेबसाइट पर, या फिर इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, हो सकता है कि पहले रिलीज कर दें और उसी के बाद ही ये सारी की सारी सर्कुलेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज चैनल पे होगी, या फिर कहीं ना कहीं किसी और रिसोर्स पे होगी। इसका मतलब है कि आप अगर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, उसके लिए भी आप समझिए कि डेली आपको सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन रिलीज भी होगी तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से आपको पता ही अपने आप चल जाएगी। इसलिए सर्च करने में, ढूंढने में, अपना दिमाग लगाने में कि एग्जाम कब होंगे या टाइम कैसे हमारा अब इसको यूज करें, उसकी जगह आपको यही सोचना है कि जो पहला अटेम्प्ट होगा, क्यों ना अपना बेस्ट देने की कोशिश पहले अटेम्प्ट में करें, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में स्टूडेंट को काफी टाइम एक्स्ट्रा
लास्ट ईयर्स के मुकाबले मिल गया है, तो कंपटीशन पहले के मुकाबले और अच्छा पढ़ने वाले बच्चे आपके बीच लेकर के आएंगे। तो मैं आप सबको स्ट्रांगली फिर सजेस्ट करूंगा कि अपना समय बर्बाद केवल सर्चिंग में ना लगाएं कि एग्जाम कब होगा, अटेम्प्ट कब होगा, उसको लेकर के पूरा दिन आप अपना निकाल दें, डिस्कशन में निकाल दें, उससे बचिए। पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए केवल गवर्नमेंट के सोशल हैंडल पे ही फेथ करिए, और कहीं ना कहीं से जब ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी आप तक किसी ना किसी माध्यम से पहुंच ही जाने वाली है। उस इन्फॉर्मेशन के लिए सोच करके या उसको सर्च करने में अपना समय बर्बाद मत करिए। मैं आपसे केवल इतनी सी बात ये कहना चाहता हूं क्योंकि कंपटीशन वापस से अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, कंपटीशन वापस से अच्छे लेवल पे होने के चांसेस काफी बढ़िया हो रहे हैं, इसलिए पढ़ाई करिए, मेहनत करते रहिए। हो सकता है 4 अटेम्प्ट हो सकता है गवर्नमेंट 3 अटेम्प्ट कराए, और उसकी कैलकुलेशन लगाने में अपना समय अब कोई बच्चा बर्बाद ना करे, प्रॉपर तरीके से पढ़े। बस आज मैं इस वीडियो में आपको यही सजेशन देने वाला हूं। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, मैं इस वीडियो पे कोई एक्सपेक्टेड डेट को लेकर के आपके बीच इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं लेके आऊंगा। अननेसेसरी का कंफ्यूजन मैं कभी क्रिएट नहीं करूंगा। कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास जब पहुंचेगी मैं तभी आपके बीच उसको लेकर के आऊंगा, और लगातार कहीं ना कहीं करियर की सारी गाइडेंस, चाहे वो जेई मेन एक्सपेक्टेड डेट के अलावा पर्टिकुलरली क्या मार्क्स लाने हैं, क्या परसेंटेज लानी है, कहां क्या कॉलेज मिलने की संभावना मिलेगी, आपको वो सारी लगातार इस चैनल पे मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज पढ़ते रहिए, प्लीज कोशिश करते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल किसी भी सोशल हैंडल पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मत लगाइए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मिलते रहेंगे करियर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हनुमान, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।